मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश के प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे, उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलेटरी में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उल्टा किया। किसकी दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने के सामने है ये। मैं किसी की विद्वत्ता पर प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, गवा में उन्होंने उल्टा किया, ये हमको प्रश्न पूछते हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।